सहयोग गुरु पूरा नासिर हुसैन उस्ताद के साथ में है। वो भी सिटिंग कैंडिडेट थे, वो पब्लिक के लिए या कौम के लिए क्या किए हैं वो पूरा मामला सामने है। अब जो चीज़ आजमाए हैं हम लोग, जो चीज़ देख चुके हैं, फिर उसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को हम साथ देकर उनको जिता कर लाना चाहिए। हम नासिर उस्ताद के हक में करेंगे सब जने मिलकर। जो इलेक्शन का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें सबको उस्ताद साहब को सपोर्ट कीजिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद गयासुल्लाह हुसैन सहयोग ग्रुप प्रेसिडेंट, हमारे ग्रुप के जानिब से हर साल यतीम व बेवाओं लड़कियों की जो है ना शादियाँ कराते हैं, मैं और मेरा ग्रुप मिलकर। ये काम हम पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं और हर साल रमज़ान में अशियात जो है ना तकसीम करते हैं पूरा हमारा ग्रुप मिलकर। इस बार हमारा पूरा ग्रुप जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ में है और यहाँ पे हमारे कायद जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब को हम सब भी मिलकर हेल्प करना है। आप तमाम लोगों से हमारी ये इत्तेजा है कि वही नासिर हुसैन उस्ताद को जिता कर लाइए। सहयोग गुरु पूरा नासिर हुसैन उस्ताद के साथ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गुलबर्गा शहर की जानी मानी तंजीम जो गुलिस्ता 15 साल से गरीबों की, यतीमों की, असीरों की खिदमत करते आई है, सोशल वर्क करते आई है, गरीब लोगों की शादियां करवाती आई है 15 साल से। मेरे दो इलेक्शन में भी आप लोगों ने कभी मेरे तायद का ऐलान नहीं किया है। आज आप खुद अपने जानिब से इस फिक्र के साथ कि मिल्लत के लिए कौन बेहतर हो सकता है, शहर के हालात को देखते हुए आप लोगों ने फैसला किया है। मैं सहयोग ग्रुप के गयास साहब सदर और तमाम टीम को मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ ही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपके इस सोच को, कोशिश को, मेहनत को 10 तारीख के दिन जो वोटिंग होगी उस वोटिंग तक मेहनत बरकरार रहे और इंशाअल्लाह 13 तारीख को हमारी फतेह हो। ये मुख्तसर सी जो मीटिंग कंडक्ट की गई है सहयोग ग्रुप की तरफ से, हमारे पाशा सेठ हैं, मुकरम भाई हैं, ये लोगों का जो ग्रुप है सोशल वर्क करता आया हुआ है और जो भी फैसले आज तक करते आए हैं बड़ी सोच के साथ, समझदारी के साथ किए हैं लोग फैसले। अब वक्त की शदीद ज़रूरत है कि मुसलमान जो मुंतशिर हुए हैं उन्हें एक होना चाहिए और पिछले दिनों में जो भी सिटिंग कैंडिडेट थे वो पब्लिक के लिए या कौम के लिए क्या किए हैं वो पूरा मामला सामने है। अब जो चीज़ आजमाए हैं हम लोग, जो चीज़ देख चुके हैं, फिर उसको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को हम साथ देकर उनको जिता कर लाना चाहिए और बड़े ही समझदारी के साथ उन्हीं को वोट देना चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और इसके पीछे हम सब बड़ी ही मेहनत से, लगन से और एक कौम की फिक्र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए बस। और नासिर हुसैन उस्ताद के ख्याल में भी कुछ एजेंडाज होंगे कौम के लिए, गुलबर्गा सिटी के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, इंशाल्लाह वो भी फुलफिल करेंगे फ्यूचर में। ये उम्मीद के साथ जो है ना उनको सपोर्ट करने का इरादा। आज का सहयोग ग्रुप के ऑफिस में सहयोग ग्रुप के प्रेसिडेंट सैयद पाशा गयासुल्ला हुसैनी प्रेसिडेंट, आज हमारे पार्टी जनता दल के कैंडिडेट नासिर हुसैन साहब को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं सहयोग ग्रुप के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत सोच समझ के सही फैसला लिए। आने वाले दिनों में जो हमारे को सियासी लीडर जो होना है
वो सियासी लीडर का एक्टिविटीज़ देख के और उनके जज्बे को देख के ये लोग तमाम लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जो लोग आ चुके हैं और जो लोग आने के लिए अभी हिचकिचा रहे हैं वो तमाम लोग बेझिझक होके आइए। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की ज़रूरत है गुलबर्गे के लिए। तो मैं जो कॉमन लोग हैं जो घर में बैठे हैं जो किसको डालना कश्मकश में है, मैं उन तमाम लोगों को बोलता हूँ कि आप इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को 10 तारीख के दिन सीरियल नंबर 3 पे बटन दबा के नासिर हुसैन उस्ताद साहब को कामयाब करें। और सहयोग ग्रुप का जैसे और भी ग्रुप बहुत सारे जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट आके मेरे को कॉल कर सकते हैं, नासिर उस्ताद साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ज़रूरत है, सोच समझ के आप फैसला लीजिए। ये बार आप फिर दूसरे बहकावों में आके फिर दोबारा वही गलती दोहराने जाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं तमाम लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता दल का हाथ मजबूत करिए, आके नासिर हुसैन उस्ताद साहब का भी हाथ मजबूत करिए। शुक्रिया। हमारे सहयोग ग्रुप से आशा सेठ रियासुल्ला हुसैन है, उनके तरफ से हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं हम नासिर उस्ताद के हक में करेंगे सब जने मिलकर, और अल्लाह ने उसको कामयाब कर दे, हम सब लोगों की दुआ है इसमें। हम यहाँ पे आए नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो हमारे लीडर है GDS के, उनको दावत दिए, साथ में हमारे खान साहब KTS को भी दावत थी, उस सिलसिले में आए हैं। नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अब जो इलेक्शन का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें सबको उस्ताद साहब को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करना है मकसद सबका, और अच्छे से अच्छे भारी तादाद में अच्छे से ज़्यादा वोट दिलाकर उनको जिताने की कोशिश करना हम सबका एक इरादा है और फ़र्ज समझ के चलिए।